हेलो फ्रेंड, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआरएस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। तो इससे पहले आप लोगों का नंबर सिस्टम का फर्स्ट माला फर्स्ट ए एंड फर्स्ट माला फर्स्ट बी का सारा क्वेश्चन हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अतिरिक्त प्रश्न। कुछ अतिरिक्त प्रश्न है जिसपे हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो पहला नंबर सवाल सुनिएगा। पहला नंबर सवाल देखिएगा बोर्ड पे, आपको दिया है 0.863, देखिए इनटू दिया है 0.637, देखिए प्लस दिया है 0.863, गुना दिया है आपको 0.363। ठीक है सर, यहाँ पे हम लोगों को सॉल्व करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए 0.863 दोनों जगह दिख रहा है, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ले लेंगे 0.863 कॉमन लेंगे तो इधर बच जाएगा 0.637 और प्लस इधर बच जाएगा 0.363, है ना सर। आप जरा सा गौर करिएगा, ये दोनों को जोड़िएगा तो एक आता है, एक में गुना करिएगा 0.863 से तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का 0.863 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। ठीक है, अगले सवाल पे हम लोग बढ़ते। तो अगला दूसरा नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है 100 से कम की वे सभी धन पूर्णांक संख्याओं का योग जो 5 का गुणज हो क्या होगा। बोला है सर 100 से कम जो भी 5 का गुणज है उन सभी का योग कितना होगा, ये देखते हैं। 100 से कम तो मान लीजिए 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, डॉट 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 डॉट, 100 से कम तक लेना है तो लास्ट में आएगा 95। 100 नहीं ले सकते, हालांकि सर वो 5 का गुणज है। अगर बोलता 100 तक तो 100 लेते, बोला 100 से कम तो 100 कम तो 95 तक ही 5 का गुणज है। ठीक है, बोला उन सभी का योग बताइए, तो आइए योग निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए सभी का हम लोगों को योग निकालना है। ऐसा करते हैं हम लोग सब में से 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा यहाँ 1, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा हम लोगों का 19, है ना सर। अब जैसे गौर करिएगा, ये देखिए 5 और ये 1 से लेके 19 तक का योग निकालना है हम लोगों को। 1 से लेके 19 तक यदि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 बट्टा होता है 2, ऐसा आप लोग जानते होइएगा। जहां n है नंबर ऑफ टर्म, तो 1 से लेके 19 तक टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है 19, तो हम लोग करेंगे 19 इंटू 19 प्लस 1, तो 19 प्लस 1 हो जाएगा 20 बट्टे 2, तो 2 10 है होता है आपका 20, तो 19 बच्चे 95 10 है हो जाएगा 950 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे तीसरा नंबर का सवाल सुनिएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर सवाल में है 0.796 गुना 0.796 गुना 0.796, तो हम लोग सर इसको लिख सकते हैं 0.796 का होल क्यूब। ठीक है, आगे देखिए प्लस है 0.204, तो इसको हम लोग लिखेंगे 0.204 का होल क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अब बट्टा में देखिए यहाँ पे दिख रहा है 0.796 गुना 0.796, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 0.796 का होल क्यूब प्लस, देखिए सॉरी माइनस है आगे आपका, माइनस है 0.796 गुना दिया है 0.204, देखिए प्लस है 0.204 है, तो हम लोग लिखेंगे 0. इसको लिख लेंगे हम लोग 0.204 का होल स्क्वायर। अब एक फॉर्मूला आप लोग जानते होइएगा कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस होता है बी स्क्वायर। ठीक है सर, तो यहाँ पे देखिए आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसको हम लोग अगर इस फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में हो जाएगा आपका ए प्लस बी मतलब 0.796 प्लस हो जाएगा 0.204 इंटू में क्या हो जाएगा 0.796 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 0.796 गुना हो जाएगा 0.204 प्लस हो जाएगा 0.204 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब बट्टा में देखिए जो है तो वो तो रहेगा ही, बट्टा में हो जाएगा आपका 0.796 का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 0.796 इंटू हो जाएगा 0.204 प्लस हो जाएगा 0.204 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है सर, अब देखिए ये पूरा टर्म कटेगा तो ये दोनों का योग होता है एक, यानी आंसर कितना हो जाएगा हम लोगों का एक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं। तो
आगे सुनिएगा चौथा नंबर का सवाल। बोला है किसी प्रमेय संख्या का हर अंश से आठ अधिक है, यदि अंश को सात तथा हर को एक बढ़ा दिया जाए तो संख्या का मान तीन बट्टा दो हो जाता है, वह प्रमेय संख्या कौन है? तो वो प्रमेय संख्या को सर हम लोग मान लेते हैं, परिमेय संख्या को आप ऐसा जैसे क्वेश्चन बोला है वैसे करना पड़ेगा। बोला परिमेय पी बाय क्यू में रहता है, बोला उसका हर अंश से आठ अधिक है, यदि अंश उसका सर एक्स होगा तो हर कितना होगा? एक्स प्लस बोला हर अंश से आठ अधिक है, ठीक है हम लोग कर लिए। बोला है यदि अंश को सत्रह तथा हर को एक बढ़ा दिया जाए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश को सत्रह बढ़ाइएगा तो हो जाएगा x प्लस सत्रह और हर को एक बढ़ा दीजिएगा सर प्लस वन कर दीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस नाइन, तो नया परिमेय संख्या ये हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बोला तीन बट्टा दो हो जाता है नया संख्या, तो नया ये भी नया है और ये भी नया है, दोनों को बराबर कर दीजिए, ये हो जाएगा टू एक्स, यहाँ हो जाएगा सत्रह दुना चौतीस बराबर तीन से गुना करेंगे उधर हो जाएगा तीन एक्स प्लस हो जाएगा नौ दिया सत्ताईस, देखिए ये उधर जाएगा ये इधर आएगा तो चौतीस में से सत्ताईस जाएगा तो सात बराबर हो जाएगा एक्स। तो हम लोगों से पूछा है कि प्रारंभिक परिमेय संख्या कौन था, प्रारंभिक तो x बटे x प्लस आठ था, तो x बटे x प्लस आठ का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू सात पता है, यहाँ सात रखिएगा तो आठ सात हो जाएगा पंद्रह, यानी सात बटा पंद्रह आंसर हो जाएगा, ठीक है आगे। तो अगला सवाल सुनिएगा पांचवा नंबर का। बोला है यदि किसी भिन्न का अंश 12 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए और हर 12 2 प्रतिशत घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 6 बट्टा 7 हो जाता है, बोला मूल भिन्न क्या होगा? जरा सा गौर करिएगा, यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, मूल भिन्न को x बटे y मान लेंगे, जरा सा गौर करिएगा, मूल भिन्न को हम लोगों ने x बटे y मान लिया। अब क्वेश्चन बोला है क्या, क्वेश्चन बोला है कि अंश को 12 प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अंश को 12 प्रतिशत बढ़ाइएगा, आप तो जानते हैं कि कोई भी चीज पहले से 100% रहता है, अंश 100% पहले से, अब 12 प्रतिशत बढ़ा दीजिएगा तो अपने आप का 112% हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब बोला है हर में 2% घटा दिया जाए, हर भी अपने आप में 100% पहले से है, 2% घटा दीजिएगा तो हर अपने आप का 98% बचेगा, यानी नया भिन्न बन जाएगा हम लोगों का ये वाला। अब बोला क्वेश्चन बोला नया भिन्न 6/7 बन जाता है, तो बराबर हो जाएगा 6/7, प्रतिशत प्रतिशत कटेगा, 7 से काटिएगा इसको तो 7 एकम 7, 7 चौका 28, तो यहाँ 14 8 होता है 112, यानी x बट्टे y बराबर हो जाएगा 8 बट्टा में आएगा तो 6 बट्टे हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा सर, काटिएगा द्वितीय 6 2 चौके 8, यानी आंसर हो जाएगा 3/4, ठीक है। अगले नंबर का देखिए, एक संख्या दिया है हम लोगों को सर बोर्ड पे लिख रहे हैं 6 नंबर का, ये दिया है 27 85 46 और देखिए आपका 0 83 दिया है। बोला है इसमें 8 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, देखिए सर यहाँ पे 2 8 दिख रहा है, एक ये 8 यहाँ दिख रहा है, एक 8 यहाँ दिख रहा है, तो इस 8 का स्थानीय मान निकालिएगा तो इसका जो स्थान है उससे गुना करना पड़ेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 10 लाख से गुना करेंगे 8 में तो क्या हो जाएगा 80 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 80 लाख लिख दिए और बोला ये 8 का स्थानीय मान, तो इकाई दहाई तो 10 से गुना करेंगे तो 80 होगा, बोला दोनों का अंतर बताइए, तो 10 जीरो हो जाएगा, 10 में 4 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ 9 हो जाएगा और 9 हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है आगे बढ़ो। आगे सातवां नंबर का सवाल सुनिएगा, बोले है दो क्रमबद्ध सम संख्या का उत्पाद 288 है तो ऐसे में उन संख्याओं का पता लगाइए, उत्पाद मतलब होता है सर गुना, प्रोडक्ट, जरा सा गौर करिएगा, यहाँ पे सातवां नंबर का दो क्रमागत सम संख्या है, तो पहला को हम लोग मान लेते हैं एक्स, तो दूसरा क्रमागत है, तो आप जानते हैं सर कोई भी लगातार सम संख्या में दो का डिफरेंस होता है, पहला एक्स है तो दूसरा हो जाएगा एक्स प्लस टू, बोला दोनों का गुणनफल 288 है, यानी एक्स गुना एक्स प्लस टू बराबर हो जाएगा 288। अब देखिए एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस टू एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 288 बराबर हो जाएगा जीरो। अब हम लोगों को सर ये द्विघात पे आ गया तो दो संख्या ऐसा सोचना होगा जिसका गुणनफल 288 और अंतर दो हो जाए, तो यहाँ पे 16 और 18 को गुना करिएगा तो दोनों का गुणनफल 288 होता है और दोनों का अंतर भी दो होता है, तो कर लेते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस हो जाएगा 18 एक्स
माइनस हो जाएगा आपका 16x माइनस हो जाएगा 288 बराबर जीरो। एक्स कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 18 माइनस 16 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 18 बराबर हो जाएगा जीरो। x प्लस 18 दोनों जगह दिख रहा है तो x प्लस 18 एंट्री हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस 16 बराबर जीरो। आप जानते हैं सर जब दो गुणनफल बराबर जीरो हो तो दोनों अलग अलग जीरो होता है, एक्स प्लस 18 बराबर भी जीरो हो जाएगा यानी एक्स बराबर माइनस 18 तो माइनस वाला नहीं लेना आपको। x माइनस 16 बराबर भी जीरो होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 16, यानी x का वैल्यू आपका 16 निकला। बोला वो दोनों संख्या कौन कौन है तो पहला तो आपका x यानी 16 हो जाएगा, दूसरा x प्लस 2 था तो मतलब दूसरा कितना हो जाएगा सर आपका 16 और 18 आंसर हो जाएगा। ठीक है तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे आठवां नंबर का सवाल सुनिएगा। देखिए यहां पर हम लोगों को एक बोला गुणनखंड, इसके गुणनखंड क्या होंगे, डाटा दिया हम लोगों को। देखिए जरा सा यहाँ पे सवाल क्या है दिया है, ए स्क्वायर प्लस है 4b स्क्वायर प्लस है 4b माइनस है 4ab। ठीक है अब देखिए आगे दिया हम लोगों को माइनस 2a माइनस दिया है 8, इसके गुणनखंड हम लोगों को ज्ञात करने। ऐसा करिए सर आप लोग 4a स्क्वायर अब माइनस 4ab और प्लस 4b स्क्वायर को एक साथ रखिए, बाकी को अलग कर दीजिए। तो बाकी को अलग करिएगा तो उधर क्या बचा, माइनस 2a बचा प्लस 4b बचा माइनस 8 बचा। ठीक है अब आगे देखिएगा, ये देखिए आपका a स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 into a into 2b, नहीं लिख सकते सर 4b को 2 into a into 2b लिख सकते हैं, प्लस 4b को लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर, यानी ये पूरा जो टर्म है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab पे है, तो इसको फाइनली एक फॉर्मूला बनेगा a माइनस 2b का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए माइनस 2 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे आपका बच जाएगा a प्लस हो जाएगा सॉरी माइनस 2 a माइनस क्या हो जाएगा आपका 2b हो जाएगा माइनस 8। तो अब हम लोग करते क्या है, ये देखिए आप अब ये द्विघात पे बैठ गया, कैसे सर इसको x मान लीजिए बेस को x स्क्वायर माइनस 2 into x - 8, ये तो द्विघात समीकरण का है। ऐसा दो संख्या सोचिए जिसका गुणनफल 8 और अंतर 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा 4 × 8 और 4 × 2। ठीक है तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4 into a - 2b। ठीक है प्लस हो जाएगा 2 into a - 2b माइनस हो जाएगा 8। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों डाटा में देखिए a माइनस 2b कॉमन ले लेते हैं, a माइनस 2b कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे 2 था 1 कॉमन आ गया तो a माइनस 2b बचेगा और माइनस बचेगा 4। अब देखिए अब यहाँ पे करते क्या हम लोग कि 2 कॉमन ले लेते तो क्या बच जाएगा यहाँ पे a माइनस 2b माइनस हो जाएगा 4। अब देखिए a माइनस 2b माइनस 4 यहाँ भी दिख रहा है, a माइनस 2b माइनस 4 यहाँ भी दिख रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या a माइनस 2b माइनस 4 कॉमन ले लेंगे, अब बाकी क्या बचेगा यहाँ पे a माइनस 2b अब प्लस हो जाएगा 2, आंसर हो जाएगा हम लोगों का जो कि आपके ऑप्शन नंबर a में दिख रहा है। ठीक है तो आगे बढ़ा के 9वां नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला है 6 पे पावर 256 और 4 पे पावर 256 का यूनिक डिजिट क्या होगा, जरा सा गौर करिएगा। यहाँ पे सवाल है हम लोगों को कि 6 पे पावर 256 माइनस है 4 पे पावर 256, इसका यूनिट डिजिट पूछा है। हमने सर आप लोगों को कई बार बताया है कि जब भी क्वेश्चन बड़ा बड़ा पावर बड़ा बड़ा दिखे तो पावर में 4 से भागा देके छोटा कर लीजिएगा ताकि आपको यूनिट डिजिट निकालने में आसानी हो, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 से भागा दीजिएगा तो देखिए 4 × 6 = 24, 4 × 4 = 16, 4 से पूरा पूरा कट जा रहा है, शेष तो कुछ बच नहीं रहा। जब 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तब पावर में 4 को ही रखना, अगर कुछ शेष बच जाता तो वो लिखते, तो 4 × 6 = 4 हो जाएगा, 4 − 4 से भागा दीजिएगा तो पूरा पूरा काट देता है, 4 की पावर हो जाएगा 4। अब देखिए 6 को 4 बार गुना करेंगे, 6 × 6 = 36 × 216 × 6 तो हो जाएगा 1296 का इकाई अंक क्या है 6 है। अब देखिए 4 को 4 बार गुना करेंगे, 4 × 16 = 64 × 256 इकाई अंक क्या है उसका 6, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0, इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा सर, यूनिट डिजिट हो जाएगा आपका 0 आंसर। आप इसको अगर प्रोसेस से बनाइएगा जो कि आपका 3 से 4 दिनों में भी नहीं बन पाएगा, प्रोसेस से बनाइएगा तो इकाई अंक पे आपको 0 ही पड़ेगा। तो आगे 10 नंबर का सवाल सुनिएगा। बोला निम्नलिखित सबसे बड़ी भिन्न कौन सी, आइए सर इसको बाय ऑप्शन देखते हैं बड़ी भिन्न कौन है। यहाँ पे देखिए 10 नंबर का पहला ऑप्शन हम लोगों को दिया है 217
बट्टा दिया है 339, ठीक है। बी नंबर में देखिए 221, बट्टा में दिया है 335 दिया है। सी नंबर में दिया है 222, बट्टा दिया है 339, और डी नंबर में देखिए सर हम लोगों को दिया है 214, बट्टा में दिया है 335। अब देखिए इसको अगर प्रोसेस से आप सॉल्व करिएगा तो हमको लगता है थोड़ा सा लंबा समय लगेगा, लेकिन एक जुगाड़ है, जो जुगाड़ लगाइएगा तो सवाल देखते ही बन सकता है। जुगाड़ ये है सर कि जिसका बेस समान है उसको एक साथ देखिए, और इसका 100 बेस 335 है, इसका 335 है, इसको एक साथ देखना है। अब ये दोनों में बड़ा कौन है, जिसका बेस 339 है, तो देखिए जिसका अंश बड़ा है, जब बेस समान हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वो संख्या बड़ा है, ठीक है सर। हमको पता चल गया कि ये दोनों में ये बड़ा है, 222 बटे हो जाएगा 339, ये बड़ा है। अब ये दोनों में देखिए कौन बड़ा है, ये दोनों का बेस 335 है, तो जिसका अंश बड़ा है वो बड़ा है, तो ये दोनों में कौन बड़ा है, ये हो जाएगा 221 बटे 335। चलिए अब दोनों जगह से बड़ा बड़ा वाला ले लिए, अब ये दोनों में जो बड़ा होगा वही सबसे बड़ा होगा। अब देखना ये है सर कि यहाँ पे देखिए इसका बेस जो है इससे 4 कम है, लेकिन इसका अंश जो है इससे मात्र 1 कम है, यानी इसमें 222 को 339 भागों में बांटना है, और यहाँ पे 221 को मात्र 1 कम है उसको 335 में बांटना है। 335 मतलब ये बड़ा है, समझ में आ रहा है ना बात। तो आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा हो जाएगा 221 बटे 335, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। इसमें देखिए अंश में ज्यादा का डिफरेंस है और हर में बस 1 का डिफरेंस है, तो ये वाला बड़ा, ये एक जुगाड़ है, बाकी प्रोसेस से आप बनाइएगा तो काफी ज्यादा लंबा समय लगेगा, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं, विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।